नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन है, वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? इसका सही जवाब है कोविड-19। दूसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? इसका सही जवाब होगा SARS-CoV-2। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया है? इसका सही जवाब होगा WHO ने। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है? इसका जवाब है पंजाब। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया है? इसका सही जवाब है 22 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब है फेफड़े। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा RT-PCR। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से शुरू हुई है, ये चीन के किस प्रांत में स्थित है? इसका सही जवाब होगा हुबेई। कोविड-19 शब्द में VI का तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब होगा वायरस। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा हरियाणा। भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी राशि सहायता देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा $10 मिलियन। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? इसका सही जवाब होगा बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? इसका सही जवाब होगा SARS-CoV-2। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।